And our today's focus will be on the theories of failure. तो आपको पता है कि है ना, सोम में आपने पढ़ाई है, थ्योरी होती है, फाइव टाइप्स की थ्योरी है हमारे पास। एक थ्योरी होती है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो जैसा कि इसके नाम से ही है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो कैन एनीवन डिफाइन व्हाट इज प्रिंसिपल स्ट्रेस? आप में से कोई भी मुझे जरा बताएं अपना माइक अनम्यूट करके, कि ये प्रिंसिपल स्ट्रेस होता क्या है, व्हाट इज प्रिंसिपल स्ट्रेस? सर प्रिंसिपल स्ट्रेस हम लोग को प्रिंसिपल प्लेन्स में मिलता है, और प्रिंसिपल प्लेन्स में जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू होती है हमेशा जीरो होती है। तो ऐसे प्लेन जहाँ पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो होती है, वो प्लेन्स पे जो हमको स्ट्रेस मिलते हैं वो प्रिंसिपल स्ट्रेस होते हैं। ठीक है, और प्रिंसिपल प्लेन क्या होते हैं? प्रिंसिपल प्लेन्स, प्रिंसिपल प्लेन होते हैं जहाँ पे सर शियर स्ट्रेस की वैल्यू सर जीरो होती है, नो शियर स्ट्रेस होते हैं सर। अच्छा, उसको प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं, शियर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो होती है वहां पर, है? यस सर। और नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या रहती है? स्ट्रेस की वैल्यू होती है उसको सर नॉर्मल, नॉर्मल स्ट्रेस की बोल दो, वो तो अगर किसी प्लेन पे चाहिए तो सर उसका फॉर्मूला होता है सर, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू जैसा फॉर्मूला होता है, और सिग्मा एक्स प्लस अगर एक्स और वाई पे दो, प्रिंसिपल प्लेन पे शियर स्ट्रेस तो जीरो, हाँ, और नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी रहती है? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय टू प्लस माइनस अंडर रूट और सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। अच्छा, ये वैल्यू रहती है प्रिंसिपल प्लेन पर। यस। अच्छा, मान लीजिए जो फिर प्रिंसिपल स्ट्रेस प्रिंसिपल प्लेन पर कौन सी वैल्यू होती है? तो शियर स्ट्रेस हो गया, नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, फिर एक ये और स्ट्रेस दिखाई दे रहा है प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये क्या मामला है? समवॉट कंफ्यूजन है, तो जरा सा अच्छे से समझेंगे इसको। प्रिंसिपल प्लेन पर जो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू है वही प्रिंसिपल स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस एट द प्रिंसिपल प्लेन, ध्यान से समझना, कोई अलग से नहीं है, नॉर्मल स्ट्रेस एट द प्रिंसिपल प्लेन इज नोन एज प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये बात ध्यान रखना है ना, इज नोन एज प्रिंसिपल स्ट्रेस, एक तरह का नॉर्मल स्ट्रेस है, और प्रिंसिपल किसी भी प्लेन पर है ना, कोई भी प्लेन है, मान लीजिए ये प्लेन है, इस प्लेन पर एक तो नॉर्मल स्ट्रेस होगा जिसको हम बोलेंगे मान लो सिग्मा एन, है ना, नॉर्मल स्ट्रेस, और एक इस पे होगा शियर स्ट्रेस जिसको हम बोलेंगे टाउ, है ना। तो ये जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा, यदि ये प्लेन प्रिंसिपल प्लेन है, इफ दिस प्लेन विल बी प्रिंसिपल स्ट्रेस, हाँ नहीं, नॉट सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इज डिफरेंट, सिग्मा एक्स इज स्ट्रेस इन द एक्स डायरेक्शन, और ध्यान दो, सिग्मा एक्स प्रिंसिपल स्ट्रेस नहीं है, सिग्मा एक्स इज द स्ट्रेस इन, कौन सा स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, सिग्मा एक्स नॉर्मल स्ट्रेस है एक्स डायरेक्शन में, सिग्मा का मतलब हम नॉर्मल लेके चल रहे हैं, टाउ का मतलब हम शियर लेके चल रहे हैं, नॉर्मल मींस पैरेलल टू द प्लेन, नॉर्मल मींस नॉर्मल टू द प्लेन, शियर स्ट्रेस मींस पैरेलल टू द प्लेन, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए मैं जरा सा एक एग्जांपल लेता हूं पहले, लेट दिस इज सम मैकेनिकल कंपोनेंट, ठीक है, ए बी सी डी भी है, ठीक है, ए बी सी डी कोई मैकेनिकल कंपोनेंट है, या मान लीजिए कि ये वो है, इट इज ए डस्टर, थ्री डायमेंशनल फिगर हो गई, डस्टर का साइज क्या रहता है, एल बाई बी बाई एच,
क्यूबॉइड शेप में होता है ना डस्टर यूज करते हैं, तो मान लीजिए लेंथ डस्टर की 15 mm मान लेते हैं, विड्थ 8 mm मान लेते हैं, हाइट उसकी चलो 4 mm मान लेते हैं, है ना, मिलीमीटर्स में है। तो जब हम इसको फ्रंट से देखेंगे तो हमको क्या देगा, दिखाई देगा एक तो 15 उसकी लेंथ दिखाई देगी और उसकी हाइट हमको दिखाई पड़ेगी 4। ये व्यू आएगा डस्टर का, है ना, लेंथ और हाइट। और यदि हम उसको साइड से देखेंगे तो हमको क्या दिखाई देगा, उसकी विड्थ दिखाई देगी, विड्थ इज 8 एंड हाइट इज 4। इसी तरह से इसका डायग्राम है, सपोज दिस इज ए डस्टर, ठीक है। अब इस डस्टर पर मान लीजिए कोई फोर्स आ रहा है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये फोर्स आ रहा है इस पे सपोज 100 न्यूटन, और एक फोर्स इस पे ऐसे भी आ रहा है इसके प्लेन में, और वो आ रहा है मान लीजिए 50 न्यूटन का, ठीक है, 100 न्यूटन 50 न्यूटन। अब मुझे कोई बताएगा प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू क्या है इस डस्टर पर, प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है इस डायग्राम को देखकर, ये जो मैंने जानकारी दी है इसके हिसाब से क्या होगा प्रिंसिपल स्ट्रेस, या कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रोसीजर बता दें, है ना, कितना होगा। एनीवन सर सिग्मा वाई की वैल्यू तो इसमें जो दूसरा वाला फिगर है 4/8 वाला, उसमें हम लोग को केवल सिग्मा एक्स मिल रहा है, सिग्मा वाई की वैल्यू तो 0 है, टाउ एक्स वाई 50 न्यूटन है, तो सर फॉर्मूला में पुट कर देंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस मिल जाएगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस मिल जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए मैं कहूं कि ये जो डस्टर है, इस डस्टर को मान लो मैंने ऐसे कट कर दिया, तो एक प्लेन तो ये है, ठीक है, अब एक मैंने दूसरा इसको कट कर दिया 30 डिग्री से, तो एक दूसरा प्लेन ये है, तो इस प्लेन को मैं क्या कहूंगा 30 डिग्री प्लेन, क्योंकि इसमें थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री प्लेन, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं, 30 डिग्री प्लेन, 45 डिग्री प्लेन, 90 डिग्री प्लेन, है ना, कई तरह से इसको काट सकता हूँ, कोई भी पीस है तो बहुत सारे प्लेन बना सकता हूँ, एक प्लेन, दो प्लेन, तीन प्लेन, 4, 5, 6, 7, 8 प्लेन ही प्लेन बन सकते हैं, सो मैनी प्लेन, है ना, सारे प्लेन बन सकते हैं। तो आपको ये बताना है कि मान लीजिए कि कौन सा प्लेन प्रिंसिपल प्लेन है, बता सकता है कोई, 30 डिग्री प्लेन प्रिंसिपल प्लेन है या 45 डिग्री होता है, 45 सर होता है, 45 डिग्री प्लेन जो है वो प्रिंसिपल प्लेन हमेशा होता है ऐसा सर, इसको हम देख सकते हैं फॉर्मूले में रखते हैं, टाउ एक्स वाई की वैल्यू 45 से सर 0 आती है, ये हमें पता है, इंक्लाइन प्लेन होता है, जैसे आपने 30 डिग्री पे कट किया, अगर वो 45 पे कट करते हैं तो इंक्लाइन प्लेन पे टाउ एक्स वाई की वैल्यू, टाउ एक्स वाई वो वैल्यू होती है, शियर स्ट्रेस ऑन एक्स वाई प्लेन की वैल्यू होती है वो 0 आती है 45 डिग्री पे, यस सर 0 आती है हमेशा, नहीं सर 45 डिग्री पे हमेशा 0 नहीं आएगी, वो डिपेंड करेगा कि सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई क्या है, सिग्मा वाई पे नहीं सर, उसमें थीटा का कंपोनेंट आता है, थीटा पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन ये है कि प्रिंसिपल प्लेन कितने डिग्री वाला प्लेन होता है, क्या ये जरूरी नहीं है, क्या ये फिक्स नहीं होता, ये फिक्स नहीं होता सर, ये बदल सकता है ना, ये बदलता रहता है, तो आप उसे फाइंड कैसे करेंगे कि मेरी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में प्रिंसिपल प्लेन कौन से डिग्री वाला प्लेन है, ये जानना चाहता हूं सर, वो फार्मूला होता है कौन सा, 2θ = tan inverse ऑफ सर, अरे ये होता है सर tan 2θ = 2xy/σy, हां सर यही वाला, tan 2θ बराबर इससे रेफरेंस प्लेन से, हां ये सर, हां बोलिए क्या होता है, 2τ xy चाहे वो वैल्यू जो भी आए 35 आए 45 आए 85 आए जो भी आए, तो वही होगा, है ना, वेरी गुड।
दिस इज द राइट फॉर्मूला, सही बताया आपने कि इसी से हम थीटा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब मेरे इस पर्टिकुलर केस में आपको ये बताना है कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना है और वो कितने डिग्री प्लेन पर लाई कर रहा है। जरा निकालिए कितने डिग्री प्लेन आ रहा है इसमें। सर दूसरे वाले केस में जो 4/8 का, हाँ मैंने अभी आपको डस्टर दिया, डस्टर का साइज मैंने आपको क्या दिया, 15 दिया था, 15/8 बराबर 1 आ रहा है उसमें, 10 टू थीटा बराबर 1 आ रहा है वैल्यूज पुट करने के बाद, है ना। 10 टू थीटा बराबर 1 आ रहा है, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, 45 तब थीटा 45, 2 थीटा 90, थीटा 45 नहीं 90 क्यों आएगा, 2 थीटा 45 10 2 थीटा बराबर 1 आ रहा है, उसे थीटा निकाल लेते ना। हां तो 2 थीटा 45 हो गया, तो थीटा 22.5 मेरे हिसाब से तो 22.5 आना चाहिए। यस सर, यही है, यस सर यही है ना। यदि आपका 10 2 थीटा बन रहा है तो इसका मतलब 22.5 डिग्री जो प्लेन है वो आपका प्रिंसिपल प्लेन है, करेक्ट। तो कहने का मतलब हम प्रिंसिपल प्लेन को पहचान सकते हैं और प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं और किसी भी डिग्री प्लेन पे कर सकते हैं, है ना। सपोज हमारे पास कोई भी मैकेनिकल कंपोनेंट है तो इस मैकेनिकल कंपोनेंट के किसी भी प्लेन पर, है ना, किसी भी प्लेन पर, मान लो ये थीटा डिग्री प्लेन है तो इस प्लेन पर जो नॉर्मल स्ट्रेस होगी उसको हम क्या नाम देंगे, सिग्मा थीटा, है ना, सिग्मा थीटा। और जो पैरेलल स्ट्रेस होगा, सियर स्ट्रेस होगा, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, टॉ थीटा। तो अब जरा मुझे सिग्मा थीटा का फॉर्मूला और टॉ थीटा का फॉर्मूला बता दीजिए क्या होगा। सिग्मा थीटा का फॉर्मूला होता है सर, हाँ, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, वेरी गुड, प्लस प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस सिग्मा वाई बाई टू, नहीं प्लस क्या होता है, अंडर रूट ऑफ सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस सर, नहीं अंडर रूट कहां से आ जाएगा, नहीं नहीं सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू इनटू कॉस 2 थीटा, यस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस 2 थीटा, कॉस ऑफ 2 थीटा और सिग्मा वन सिग्मा पे है वो प्रिंसिपल स्ट्रेस को ही हम सिग्मा वन डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस को हम सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा थ्री। यदि हम यूनिएक्सियल केस पर डिस्कस कर रहे हैं तो एक प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है, यदि हम बाईएक्सियल केस पर डिस्कस कर रहे हैं तो दो प्रिंसिपल स्ट्रेस होते हैं और ट्राईएक्सियल के केस में 3 प्रिंसिपल स्ट्रेस होते हैं, ठीक है ना। तो अभी मैं आपसे सिग्मा थीटा का फॉर्मूला पूछ रहा हूँ ना, मैं आपसे सिग्मा वन का फॉर्मूला नहीं पूछ रहा, राइट। यदि मैंने आपसे सिग्मा वन का फॉर्मूला पूछा होता तब आप कहते वो अंडर रूट वाला फॉर्मूला जो आप बता रहे थे, है ना, बी केयरफुल जिसने भी बोला था। अब मुझे जरा फॉर्मूला बताइए टाउ थीटा का। टाउ थीटा का फॉर्मूला होता माइनस, हां माइनस सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स, वो माइनस लगा दीजिए अब बाय 2 sin 2 थीटा, सिग्मा थीटा sin 2 थीटा प्लस प्लस टाउ एक्स वाई cos 2 थीटा। शाबाश, बहुत अच्छे, है ना, ये दोनों सही बताए आपने, है ना। आपका नाम क्या है? ऋषभ। ऋषभ, यस सर, वेरी गुड, है ना, बहुत बहुत अच्छे। सो सिग्मा थीटा इज क्लियर टू यू एंड टॉ थीटा इज क्लियर टू यू, ठीक है। अब ये बताओ ये सिग्मा थीटा जो है ये नॉर्मल स्ट्रेस है कौन से प्लेन पर है, थीटा प्लेन पर है ना, थीटा प्लेन पर है। और टॉ थीटा सियर स्ट्रेस है कौन से प्लेन पर है, थीटा प्लेन पर है। ये दोनों ही थीटा प्लेन पर है, राइट। तो ये नॉर्मल स्ट्रेस जिस प्लेन पर मैक्सिमम हो जाएगा उसी प्लेन को हम प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं। बात समझ में आ गई? नॉर्मल स्ट्रेस जिस प्लेन पर मैक्सिमम होता है उसी प्लेन को हम प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। और आपको ये पता है मैथमेटिक्स से फंक्शन ऑफ एक्स, सर मैक्सिमम मिनिमम भी हो जाएगा तो उसे प्रिंसिपल कंडीशन होती है। हां, ये मैक्सिमम मिनिमम केसेस में dy/dx = 0 होना चाहिए
और मैक्सिमम की कंडीशन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर मस्ट बी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। यदि नेगेटिव है तो हमारा फंक्शन उस पर्टिकुलर वैल्यू पर मैक्सिमम है, यदि ये वैल्यू पॉजिटिव है तो हमारा फंक्शन उस पर्टिकुलर वैल्यू पर मिनिमम है। ठीक है, तो अब हम डी एंड पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम पे हमारा कंसंट्रेशन है, हमारा कंसंट्रेशन मिनिमम पे नहीं है। डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारे लिए वो प्लेन ज्यादा रिस्की है जिस पर नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसी प्लेन पर फेल्योर होने के चांसेस है, उसी प्लेन से फेल्योर होने के चांसेस है जहां पर नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो अब यहां पर सिग्मा थीटा किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है। तो सिग्मा एक्स तो कॉन्स्टेंट वैल्यू है, सिग्मा वाई कॉन्स्टेंट वैल्यू है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर केस में जो भी स्ट्रेस कंडीशन मिलेगी तो सिग्मा एक्स इज कॉन्स्टेंट, सिग्मा वाई इज कॉन्स्टेंट, ओनली द वेरिएबल इज थीटा, सम टाइम थीटा इज 30, सम टाइम थीटा इज 35। सो इफ वी डिफरेंशिएट दिस थीटा विथ रेस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट दिस सिग्मा थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, देन फॉर मैक्सिमाइज केस, फॉर ऑप्टिमाइज केस वी शुड गेट फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी जीरो। तो चलिए जरा सा इसको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। सिग्मा थीटा इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई टू, ये सब चीजें दोबारा रिपीट नहीं होंगी, बहुत अच्छे समझ लीजिएगा, ये बहुत कंसेप्ट है, प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस ऑफ टू थीटा प्लस टॉ एक्स वाई साइन टू थीटा, यही फॉर्मूला है ना। अब इसके मैक्सिमम होने के लिए फॉर सिग्मा थीटा टू बी मैक्सिमम, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव डीवाई डी थीटा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सिग्मा थीटा मस्ट बी जीरो। तो इसका फर्स्ट टर्म देखिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो प्लस, ये कांस्टेंट वैल्यू है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई टू, ये कांस्टेंट वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाई कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा माइनस साइन टू थीटा मल्टीप्लाइड बाई टू, ये होगा ना। बताओ साइन एन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एन थीटा इनटू एन, यस ये होगा। तो कॉस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है और एन उसका टू थीटा का डिफरेंशिएशन टू होता है, तो टू से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ गया प्लस। अब ये टॉ एक्स वाई क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ये आउटसाइड हो गई, साइन टू थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस टू थीटा मल्टीप्लाइड बाई टू, साइन थीटा का कॉस थीटा होता है ना, इक्वल टू जीरो। अब यदि आप इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने पे आपको मिलेगा साइन टू थीटा ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा है ना, दो से दो कट आपको इसको डिवाइड कर दीजिए तो दो तो आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, तो साइन टू थीटा डिवाइड बाई कॉस टू थीटा वो आपका क्या कन्वर्ट हो गया, टेन टू थीटा आ गया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा टेन टू थीटा इक्वल टू ये दो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टू टाइम्स टॉ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। सो दिस इज द कंडीशन फॉर सिग्मा थीटा टू बी मैक्सिमम है ना, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कंडीशन प्रिंसिपल प्लेन को रिप्रेजेंट करती है ना, प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल प्लेन पर ही नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम होगा और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होगा। अब यदि आप इसका सेकंड डेरिवेटिव करके इस वैल्यू को उसमें पुट करके देखेंगे और आपको यदि नेगेटिव वैल्यू मिलती है तो ये मैक्सिमाइज केस है, और यदि पॉजिटिव वैल्यू मिलती है तो ये मिनिमाइज केस है, तो वो आप चेक कर सकते हैं, ये मैक्सिमाइज केस ही आएगा, इट इज कन्फर्म। तो हमने अभी तक सिर्फ ये जाना कि किसी पर्टिकुलर मैकेनिकल कंपोनेंट में बहुत सारे तो प्लेन होते हैं, हम जनरल प्लेन को थीटा प्लेन बोलते हैं, उस थीटा प्लेन पर जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है उसे हम सिग्मा थीटा बोलते हैं, जो पैरेलल स्ट्रेस शियर स्ट्रेस होता है उसे हम टाउ थीटा कहते हैं, सिग्मा थीटा की मैक्सिमम वैल्यू को हम सिग्मा वन यूनिएक्साइल केस में, सिग्मा वन सिग्मा टू बाईएक्साइल केस में, सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा थ्री ट्राईएक्साइल केस में, इस तरह से हमारी रिप्रेजेंटेशन चलती है। यूनिएक्साइल केस में सिग्मा वन एक ही प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है, बाईएक्साइल केस में दो प्रिंसिपल स्ट्रेस होते हैं, ट्राईएक्साइल केस में तीन प्रिंसिपल स्ट्रेस होते हैं। तो
जिस तरह से सिग्मा थीटा सिग्मा वन का एक प्रिंसिपल प्लेन होगा, सिग्मा वन और सिग्मा टू दो स्ट्रेस हैं, तो यहाँ पर दो प्रिंसिपल प्लेन होंगे। यहाँ पर तीन स्ट्रेस हैं ट्राइएक्सियल केस में, सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा थ्री, तो यहाँ तीन प्रिंसिपल प्लेन होंगे। तो ये जो ट्राइएक्सियल केस की ज्योमेट्री है ट्राइएक्सियल, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड है। इसकी स्टडी वेरी मच कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। और बाईएक्सियल केस अभी फिलहाल हमारे लिए ज्यादातर इंपॉर्टेंट रहेगा, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो क्वेश्चंस आएंगे वो बाईएक्सियल के ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ट्राईएक्सियल के क्वेश्चंस गेट एग्जाम में नहीं आते हैं, बिकॉज वो लेंथी होते हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं। लेकिन थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ट्राईएक्सियल भी आना चाहिए, बाईएक्सियल भी आना चाहिए और यूनिएक्सियल भी आना चाहिए, ठीक है। तो पहले आप अपना फोकस बाईएक्सियल पे लीजिए, जब बाईएक्सियल आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए तब आप ट्राईएक्सियल की तरफ जाइए, ठीक है। तो सिग्मा थीटा ये हमने बता दिया आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस हो सकते हैं, और जितने भी प्रिंसिपल प्लेन होंगे, मान लीजिए किसी मैकेनिकल कंपोनेंट में तीन प्रिंसिपल प्लेन है, मान लो ये पहला प्रिंसिपल प्लेन है ना, ये पहला प्रिंसिपल प्लेन है मान लीजिए, दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन, फिर ये दूसरा प्रिंसिपल प्लेन है, लेट दिस इज द सेकंड प्रिंसिपल प्लेन, इसी तरह से तीसरा प्रिंसिपल प्लेन होगा। तो इन सभी प्रिंसिपल प्लेन पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो रहेगी, सभी प्रिंसिपल प्लेन्स पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। तो ये पहला प्रिंसिपल प्लेन है, तो इस पर जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा उसे हम सिग्मा वन कहेंगे, और ये जो दूसरा प्रिंसिपल प्लेन है इस पर जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा उसे हम सिग्मा टू कहेंगे। अब इसमें भी सिग्मा वन यदि बड़ा है तो फेल्योर होने के चांसेस पहले वाले प्रिंसिपल प्लेन पर होंगे, और यदि सिग्मा टू सिग्मा वन से बड़ा है तो फेल्योर होने के चांसेस प्लेन नंबर टू पर होंगे। तो डिजाइन इंजीनियर को बड़ा ध्यान से देखना है Which principal stress is greater? Sigma 1 is greater, sigma 2 is greater or sigma 3 is greater? सारे permutation combination लेके चलना पड़ेगा। उसी हिसाब से वो failure theories develop की गई हैं। तो failure theories में इन principal stresses का बड़ा ही importance है। जैसे कि एक theory का जो नाम है maximum principal stress theory, उसका नाम ही principal stress theory है। तो अब आपको पता है कि principal stress कितने होते हैं? भाई ट्राइएक्सियल के केस में तो तीन होते हैं, तो अब इन तीनों में से जो मैक्सिमम होगा है ना, मान लीजिए हम आप एक अजम्पशन ले लें सिग्मा वन इज ग्रेटर देन सिग्मा टू ग्रेटर देन सिग्मा थ्री, तो सबसे बड़ा प्रिंसिपल स्ट्रेस कौन है? सिग्मा वन है। तो फेल्योर होने के चांसेस सिग्मा वन वाले प्लेन पर है। तो यदि हमारे सिग्मा वन की वैल्यू मटेरियल की यील्ड लिमिट से है ना, मटेरियल की यील्ड लिमिट मान लीजिए सिग्मा वाई है और सिग्मा वन सिग्मा वाई से छोटा है, तो इसका मतलब हमारा मटेरियल सेफ है, हमारा कंपोनेंट सेफ है, ठीक है। यदि हम फोर्सेस की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, जैसे अभी हमारे केस में डस्टर पे 100 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा था है ना, तो अब हम 100 को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे सिग्मा वन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि सिग्मा वन की वैल्यू यील्ड पॉइंट के बराबर हो जाएगी। तो जब तक यील्ड पॉइंट के बराबर है तब तक तो मटेरियल हमारा कंपोनेंट सेफ है, जैसे ही वैल्यू सिग्मा वाई से ज्यादा होगी हमारा कंपोनेंट ब्रेकअप हो जाएगा, फेल्योर हो जाएगा है ना, तो वो हमारे लिए डेंजरस पॉइंट है, ठीक है। और हम डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कभी नहीं चाहते कि हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा वाई के बराबर भी पहुंचे, तो हम क्या करते हैं एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं, वी ऑलवेज टेक ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो हम क्या करते हैं सिग्मा वन शुड बी लेस देन सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये डिजाइन के लिए हमारी मेन कंडीशन होती है कि प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू यील्ड स्ट्रेस डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी फिर हम अपने तरीके से डिसाइड करते हैं है ना, वो नीड पर डिपेंड करता है, बजट पर डिपेंड करता है ना। फैक्टर ऑफ सेफ्टी में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ मैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी यदि मान लीजिए आपने ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लिया, मोर फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो क्या होगा, मटेरियल की डायमेंशन बढ़ जाएंगे है ना। जो भी आप डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे तो वो डायमेंशन मान लो कम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेने पर तो कम आएंगी, ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेने पर वो डायमेंशंस बढ़ जाएंगी, तो डायमेंशंस विल बी इंक्रीज्ड। ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेने पर डायमेंशंस विल बी इंक्रीज्ड। तो कहीं कहीं पर तो स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई हमारे पास तो इतनी डायमेंशन का ही स्पेस है उस प्रोडक्ट के फिट होने के लिए,
तो वहां पर तो आप ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले ही नहीं सकते बिकॉज देर इज ए लिमिटेशन ऑफ द स्पेस। अब मान लीजिए कुछ ऐसे केसेस हों जहां पर स्पेस इज नॉट द क्राइटेरिया, थोड़ा बहुत ज्यादा भी होगा तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो आपकी डायमेंशन बढ़ गई, डायमेंशन बढ़ने से क्या हुआ कि आपका वॉल्यूम बढ़ गया, साइज बढ़ गया, आपका वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ने से नेचुरली आप जानते हैं कि मास बढ़ जाएगा, है ना, मास बढ़ने से वेट बढ़ जाएगा, वेट बढ़ने से कॉस्ट बढ़ जाएगी, है ना, मार्केट में उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। और जब कॉस्ट हमारी, हम कॉस्ट को कहां तक बढ़ा सकते हैं, ये हमारी नीड में इंक्लूड होता है। तो कुल मिलाकर फैक्टर ऑफ सेफ्टी कॉस्ट पर भी डिपेंड करता है कि हम मैक्सिमम कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले सकते हैं एज पर द नीड एंड फंक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। और ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेने से एक चीज और इम्प्रूव हो जाती है, दैट इज रिलायबिलिटी। हमारे प्रोडक्ट की क्या बढ़ जाती है, रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी पर मेरी थोड़ी सी बात हो गई। नॉर्मल स्ट्रेस मैंने आपको बताया, थीटा प्लेन मैंने आपको बताया, कौन सा प्लेन सीयर स्ट्रेस प्लेन होता है ये भी मैंने आपको बताया। तो अभी मान लीजिए मैं इसको फिर से क्लियर करता हूँ, और अब आप जो है किसी भी प्लेन पे एफ थीटा ये सब चीजें निकाल सकते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग यील्ड पॉइंट की, है ना, ये भी बहुत जरूरी है समझना, यील्ड पॉइंट। तो यील्ड पॉइंट पे जो भी फोर्स होगा उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, लेट एफ वाई इज द फोर्स, है ना। और मान लीजिए हम मटेरियल का टेंशन टेस्ट कर रहे हैं, जैसे यूटीएम मशीन, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे जब हम टेंशन टेस्ट करते हैं तो वहां पे यील्ड पॉइंट आता है। तो यील्ड पॉइंट जिस वैल्यू पे आता है उसको हम कहते हैं यील्ड फोर्स, है ना, या यील्ड लोड। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एफ वाई टी बोल सकता हूँ, टी फॉर टेंशन, यील्ड फोर्स इन टेंशन। तो एफ वाई टी की जो भी वैल्यू होगी वो मुझे मशीन से मिल जाएगी, तो दैट इज एफ वाई टी। अब इस एफ वाई टी को यदि मैं एरिया से डिवाइड कर दूंगा, है ना, तो मुझे क्या मिल जाएगा, स्ट्रेस मिल जाएगा, है ना। तो मैं कह सकता हूं मुझे एस वाई टी मिल जाएगा, है ना, यील्ड स्ट्रेस एंड टेंशन। ये यील्ड फोर्स इन टेंशन और ये यील्ड स्ट्रेस एंड टेंशन। यील्ड स्ट्रेस नॉर्मल है, कुछ नहीं है, एफ वाई टी डिवाइडेड बाई एरिया से आप डिवाइड कर देंगे। जो भी प्रोडक्ट आपने टेंशन टेस्ट टेस्ट किया है तो उसका आपको यील्ड स्ट्रेस मिल जाएगा। जब आपको यील्ड स्ट्रेस मिल जाएगा तो आपको हुक्स लॉ की हेल्प से, हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो गया, ई एप्सिलॉन, ई इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहां पर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है यील्ड पॉइंट पर, एस वाई टी। तो सिग्मा की जगह तो मैंने एस वाई टी रख दिया, ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, एप्सिलॉन मेरा क्या है, एप्सिलॉन वाई टी है, इट इज अ यील्ड स्ट्रेन, है ना। मैं यील्ड पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो अब सारी चीजें मेरी यील्ड के फॉर्म में है, यील्ड फोर्स है, यील्ड स्ट्रेस है, यील्ड स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेन है, ठीक है। तो एस वाई टी इक्वल टू ई टाइम्स एप्सिलॉन वाई टी, ये एक मेरे को इक्वेशन मिल जाएगी यील्ड पॉइंट पर, ठीक है। अब मान लीजिए यील्ड पॉइंट पर ही मैं निकालना चाहता हूं स्ट्रेन एनर्जी, क्या निकालना चाहता हूं मैं, स्ट्रेन एनर्जी। तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, स्ट्रेन एनर्जी तो जैसे कि मान लो हम जब कभी ग्राफ खींचते हैं तो हमें कैसा ग्राफ मिलता है, शुरू में यील्ड पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन मिलती है, है ना, वी गेट ए स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह से हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, मान लो ये पॉइंट हमारा यील्ड पॉइंट है एस वाई टी। तो इस पॉइंट तक इस मटेरियल ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है अपने अंदर, तो उस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि एनर्जी निकालने के लिए हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं, और ये जो एरिया होता है ये एरिया हमको क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ये एरिया ही स्ट्रेन एनर्जी होती है। तो ये एरिया एक ट्रायंगल के फॉर्म में है, तो इस ट्रायंगल का एरिया आप निकाल सकते हैं हाफ बेस हाइट, है ना, हाफ बी एच से निकाल सकते हैं। तो आपको बेस इसका कितना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो स्ट्रेन है वो कितनी है, एप्सिलॉन वाई टी। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्रेस है एस वाई टी, स्ट्रेन है एप्सिलॉन वाई टी। तो आपका कितना हो गया, एस वाई टी इंटू एप्सिलॉन वाई टी,
यही तो हो गया आपका स्ट्रेन। और स्ट्रेन एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, यू। और ये किस पॉइंट की स्ट्रेन एनर्जी है, यील्ड पॉइंट की स्ट्रेन एनर्जी है, इसलिए हम इसको यू वाई बोल सकते हैं, है ना। स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड एट द यील्ड पॉइंट। तो ये हो गया हाफ। हाँ बोलिए सर। इसको रेजिलियंस भी तो कहते हैं ना। हाँ इसको रेजिलियंस भी बोलते हैं, कई नामों से जानते हैं। अरे सर सर हाँ सर, लेकिन हम जो सर यील्ड पॉइंट पे आते-आते यील्ड पॉइंट पे आते-आते लेकिन हमको तो डिफॉर्मेशन मिल जाता है ना। ये जो रेजिलिएंस फार्मूला होता है वो तो इलास्टिक और प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक लगाते हैं, उसके बाद तो ग्राफ हमारा नॉन यूनिफॉर्म होता है। हाँ। तो आप ये यील्ड स्ट्रेंथ क्यों ले ले, तो वहां पे नॉन यूनिफॉर्म आ जाएगा ना सर। करो हमारा देखो यील्ड पॉइंट और प्रोपोर्शनली पॉइंट है ना, यदि आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो उनमें जो फर्क होता है ना, वो फर्क आप ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते। हर मटेरियल में नहीं मिलता है ना। हाँ हर मटेरियल में नहीं मिलता है, जिस मान लो ब्रिटल मटेरियल के केस में मिलता है। ये तो ब्रिटल मटेरियल है तो फिर उस केस में अपने को अल्टीमेट पॉइंट मिलेगा। तो ये जो कैलकुलेशन हमारी यील्ड पॉइंट पे हो रही है वो अल्टीमेट पॉइंट पे हो जाएंगे, है ना। जैसे यील्ड पॉइंट के केस में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस शुड बी लेस देन यील्ड पॉइंट स्ट्रेस। और ये फिर ये वाली बात किस केस में हो गई, डक्टाइल मटेरियल के केस में हो गई, क्योंकि जिस मटेरियल में हमको यील्ड पॉइंट मिल रहा है। अब जिस मटेरियल में हमको यील्ड पॉइंट मिल ही नहीं रहा है तो उस केस में हमारी इक्वेशन हो जाएगी सिग्मा वन शुड बी लेस देन एस यू टी। तो ये हम ब्रिटल मटेरियल के केस में कर लेंगे। सर ब्रिटल मटेरियल के लिए हम लोग, सर ब्रिटल मटेरियल के हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं, वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए लगाते हैं, क्योंकि वहां पे केवल ब्रिटल मटेरियल के लिए हम लोगों को प्रोपोर्शनलिटी लिमिट पता नहीं पड़ती है। हां उसमें ऑब्जर्व नहीं आती है, इसी वजह से यहां पर एसवाईटी की जगह पर हम एसयूटी से कंपेयर करते हैं। यस सर। प्रिंसिपल स्ट्रेस जी सर। हां बिल्कुल। तो अब मैं बात कर रहा था स्ट्रेन एनर्जी की, तो हम इसी फॉर्मूले पर वापस आ गए, हाफ बी एच हाफ एस वाई टी इंटू अप्सिलॉन वाई टी। तो अब मैं लिख सकता हूँ हाफ एस वाई टी, अप्सिलॉन वाई टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एस वाई टी डिवाइड बाई ई। देखो अप्सिलॉन वाई टी कैन बी रिटन एज एस वाई टी डिवाइडेड बाई ई। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एस वाई टी डिवाइडेड बाई ई, एस वाई टी इंटू एस वाई टी कितना हो गया, एस वाई टी होल स्क्वायर। सो दिस इज एस वाई टी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ई। So this is the strain energy at the yield point. ठीक है, तो अब मैं इसको summarize कर देता हूँ। ये आप याद रखना हमेशा, मैं जब भी yield point की बात करूंगा, क्योंकि जब हम थ्योरीज ऑफ फेल्योर पढ़ते हैं तो हम अपने कंपोनेंट को yield point से कंपेयर करेंगे, या तो yield point से कंपेयर करेंगे या फिर अल्टीमेट पॉइंट से कंपेयर करेंगे, है ना। ज्यादातर केस में हम yield point से ही कंपेयर करेंगे। तो yield point की जनरल प्रॉपर्टीज में लिख देता हूँ, यील्ड पॉइंट का फोर्स होगा तो मैं कहूंगा एफ वाई टी, ठीक है। यील्ड पॉइंट का स्ट्रेस होगा मैं कहूंगा एस वाई टी। यील्ड पॉइंट की स्ट्रेन होगी मैं कहूंगा अप्सिलॉन वाई टी। यील्ड पॉइंट की स्ट्रेन एनर्जी होगी मैं कहूंगा यू वाई टी, ठीक है। ये मेरे एब्रीविएशन हो गए, ठीक है। अब इनके फॉर्मूले आपस में देख लीजिए, अप्सिलॉन वाई टी क्या होता है, एस वाई टी डिवाइड बाई ई। एस वाई टी क्या होता है, एफ वाई टी डिवाइड बाई एरिया। यू वाई टी क्या होता है, एस वाई टी स्क्वायर डिवाइड बाई टू। याद रहेगा ये सब चीजें आपको, वेरी सिंपल चीज है, मैंने आपको बताया ये सब याद रहेगा। यील्ड पॉइंट की बात हो गई, अब हम बात करते हैं यूनि एक्सटाइल केस की। यूनिएक्सिल है ना, तो कोई भी कंपोनेंट है हमारे पास, है ना। यहां पर भी हमारे पास कंपोनेंट था, तो उस कंपोनेंट पे हमने कितना फोर्स लगा दिया था, एफ वाई टी लगा दिया था, है ना। तो इस फोर्स पे हमको यील्ड पॉइंट मिल गया, है ना, हमने उस पर यील्ड स्ट्रेन मिल गई और हमको स्ट्रेन एनर्जी मिल गई यील्ड पॉइंट। अब यूनिएक्सिल केस में मान लीजिए हमने फोर्स लगाया और उस फोर्स का नाम हमने दे दिया सपोज एफ एक्स, एक्स डायरेक्शन में लगाया है तो इस फोर्स का नाम है एफ एक्स। तो देखो जहां यहां पर जो एफ वाई टी था यील्ड पॉइंट के लिए फोर्स,
यूनिएक्सएल के केस में वो फोर्स कितना है एफएक्स, एफएक्स की वजह से स्ट्रेस आएगा तो उस स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी सिग्मा एक्स, ठीक है, उस स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी सिग्मा एक्स होगी। अब केवल एक ही फोर्स लग रहा है, ठीक है, और इस पर और कोई स्ट्रेस है नहीं, तो शियर स्ट्रेस को कितना माना जा सकता है जीरो। और जिस प्लेन पर शियर स्ट्रेस जीरो होता है वही प्लेन प्रिंसिपल प्लेन होता है, तो इस पर्टिकुलर केस में यही प्लेन प्रिंसिपल प्लेन भी हो जाएगा। तो इस सिग्मा एक्स को मैं एक तरह से सिग्मा वन भी कह सकता हूं यूनिएक्सएल के केस में, यूनिएक्सएल के केस में जो सिग्मा एक्स होगा वही सिग्मा वन भी होगा, क्योंकि वहां पर कोई भी शियर स्ट्रेस एक्ट ही नहीं कर रहा है ना, उसकी वैल्यू जीरो मानी जा मान ली जाएगी। और जब जहां पर शियर स्ट्रेस जीरो होता है वही प्लेन प्रिंसिपल प्लेन होता है, ये हमने थ्योरी में पढ़ा है। तो जो सिग्मा एक्स होगा वही सिग्मा वन भी होगा, जिसे हम प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रिंसिपल स्ट्रेस, उसी तरह से प्रिंसिपल स्ट्रेन हो जाएगी एप्सिलॉन वन, प्रिंसिपल स्ट्रेस प्रिंसिपल स्ट्रेन यूनिएक्सएल के केस में। और अब अगर मैं स्ट्रेन एनर्जी की बात करूं तो स्ट्रेन एनर्जी कितनी हो जाएगी, स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस स्क्वायर सिग्मा वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू डी हो जाएगा। तो देखो जो चीजें मैंने यील्ड पॉइंट पर समझी वही सारी चीजें मैंने यूनिएक्सएल केस में समझी, ठीक है। अब देखो मेरा स्ट्रेस कितना था सिग्मा वन, जो भी था कैलकुलेशन से निकल के आया तो वो सिग्मा वन है, और मेरी मटेरियल की कैपेबिलिटी कितनी है एसवाईटी, मटेरियल की कैपेबिलिटी एसवाईटी है, मेरा स्ट्रेस सिग्मा वन है। यदि सिग्मा वन कैपेबिलिटी से कम है तो मटेरियल सेफ है, और सिग्मा वन कैपेबिलिटी से ज्यादा है तो मटेरियल फेल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं सिग्मा वन को एसवाईटी से कंपेयर कर देते हैं, सिग्मा वन को एसवाईटी से कंपेयर कर देते हैं। ये जो हमें टेंशन टेस्ट के रिजल्ट मिले हैं उन रिजल्ट्स को हम अपनी प्रॉब्लम से रिलेट करते हैं कि यदि सिग्मा वन एसवाईटी से कम है तो मटेरियल सेफ है, कम है या बराबर है तो मटेरियल सेफ है, और यदि ज्यादा है तो मटेरियल फेल हो जाएगा निश्चित रूप से। तो जब हम सिग्मा वन को कंपेयर करते हैं तो ये हमारी पहली थ्योरी है जिसका नाम है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। तो इस थ्योरी के हिसाब से कोई भी मैकेनिकल कंपोनेंट कब फेल होता है, वो जब फेल होता है जब उसमें प्रोड्यूस होने वाला प्रिंसिपल स्ट्रेस यील्ड पॉइंट स्ट्रेस के स्ट्रेस से ज्यादा हो जाता है। और वो कब तक सेफ रहता है, वो जब तक सेफ रहता है जब प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू यील्ड पॉइंट स्ट्रेस की वैल्यू से कम या बराबर होती है। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के लिए सीधा सा फंडा है सिग्मा वन शुड बी लेस देन इक्वल टू एस वाई टी, और यदि इसमें हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी चाह रहे हैं तो साथ में इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देते हैं। So this is the general formula for calculating the dimension of the mechanical component as per maximum principal stress theory. ठीक है, तो एक थ्योरी समझ में आ गई आपको, और ये थ्योरी हमने किसके लिए पढ़ी है, यूनिएक्सएल के लिए पढ़ी है, फिर यही थ्योरी बाईएक्सएल के लिए कुछ अलग तरीके से ट्रीट होगी, है ना, कंसेप्ट यही रहेगा, ट्राईएक्सएल के लिए कुछ अलग तरीके से ट्रीट होगी, कंसेप्ट यही रहेगा, कंपेरिजन यही से होगा, कंपेरिजन हमेशा किससे होगा यील्ड पॉइंट से ही होगा, यील्ड पॉइंट इज द बेसिक रूल है। हम यूनिएक्सएल केस को भी यील्ड पॉइंट से कंपेयर करेंगे, बाईएक्सएल केस को भी यील्ड पॉइंट से कंपेयर करेंगे, और सिमिलरली ट्राईएक्सएल को भी। तो मेरे ख्याल से ये वाली थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी जिसमें हम सिग्मा वन को इससे कंपेयर करते हैं। अब हम आते हैं दूसरी थ्योरी पर, है ना। तो मान लो ये कौन सी स्ट्रेन है, प्रिंसिपल स्ट्रेन है ना, कौन सी स्ट्रेन है प्रिंसिपल स्ट्रेन है, और ये कौन सी स्ट्रेन है, ये यील्ड पॉइंट स्ट्रेन है। तो यदि किसी कोई मैकेनिकल कंपोनेंट कब फेल होगा, जब उसकी प्रिंसिपल स्ट्रेन यील्ड पॉइंट स्ट्रेन से ज्यादा हो जाएगी, तो ये भी एक तरह का कंपैरिजन है। तो जब हम इसको कंपेयर करते हैं, जब हम प्रिंसिपल स्ट्रेन को कंपेयर करते हैं यील्ड पॉइंट स्ट्रेन से, है ना, तो उसमें फिर एक फॉर्मूला हम बना देते हैं कि एप्सिलॉन वन शुड बी लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन वाई टी। यदि ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो हमारी डिजाइन सेफ है, हमारा कंपोनेंट सेफ है, अदरवाइज वो फेल होगा, है ना। सो दिस इज ए सेफ डिजाइन। तो इस थ्योरी का नाम क्या हो जाएगा, इसमें हमने प्रिंसिपल स्ट्रेन को कंपेयर किया है तो इस थ्योरी का नाम हो जाएगा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी।
जहां जो कंपेयर करोगे वही उसका नाम हो जाएगा। बहुत आसान है, टेलर थ्योरीज एक बार ढंग से आप पढ़ लेंगे, यूनिएक्सएल केस के लिए ठीक से समझ लो, यदि यूनिएक्सएल केस ठीक से समझ में आएगा तो बाईएक्सएल केस और ट्राईएक्सएल केस ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो ये दो थ्योरी मैंने आपको एक्सप्लेन करी, यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए जरा, फिर हम तीसरी थ्योरी पे चलेंगे। यदि डाउट नहीं है तो नो बोल दीजिए, कोई भी एक जना। हाँ जी राहुल, उत्कर्ष। यस सर। यस सर। दिस दीज टू थ्योरीज आर क्लियर टू यू? बिल्कुल सर। ओके ओके, है ना। चलिए तो दो थ्योरी हमने कर ली, अब हम चल रहे हैं थ्योरी नंबर थ्री पर, ठीक है। तो थ्योरी नंबर थ्री का जो नाम है तो उसको मैं जरा बोर्ड क्लियर कर लेता हूं पहले। थ्योरी नंबर थ्री, थर्ड थ्योरी का नाम है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, तो अभी हम बात कर रहे हैं यूनिएक्सिल केस की, है ना। बाईएक्सिल पर भी बात करेंगे, तो बहुत जरूरी है करना। तो यूनिएक्सिल और यील्ड पॉइंट, हमें क्या करना है, यूनिएक्सिल को यील्ड पॉइंट से कंपेयर करना है। तो यील्ड पॉइंट की स्ट्रेन एनर्जी मैंने आपको कितनी बताई थी अभी प्रूफ करके, एस वाई टी स्क्वायर डिवाइड बाई टू ई बताई थी ना। और यूनिएक्सिल केस में जो स्ट्रेन एनर्जी होगी वो कितनी होगी, सिग्मा वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, यही तो होगी स्ट्रेस स्क्वायर डिवाइड बाई टू टाइम्स यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेन एनर्जी का तो सीधा फॉर्मूला है, स्ट्रेस स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ यंग्स मॉडुलस, तो सिग्मा वन स्क्वायर बाई टू ई, ये हो गया। अब यदि हम इन दोनों एनर्जी को, एनर्जी नंबर वन एंड एनर्जी नंबर टू, इन दोनों एनर्जीज को आपस में क्या कर दें, कंपेयर कर दें, अगेन कंपेयर, और कंपेयर करने पर यदि ये वाली एनर्जी, है ना, ये यूनिएक्सिल केस की एनर्जी मान लो यू वन है इसका नाम, और इस एनर्जी का नाम है यू वाई टी, तो यदि जब तक ये एनर्जी यू वाई टी से कम या बराबर है तब तक हमारा मटेरियल सेफ है, इस थ्योरी के हिसाब से, है ना। इस थ्योरी के हिसाब से यह है कि भाई आप स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट कर लो, यदि स्ट्रेन एनर्जी यील्ड पॉइंट स्ट्रेन एनर्जी से कम या बराबर है आपका मैकेनिकल कंपोनेंट सेफ है, और यदि वो उससे हल्का सा भी ज्यादा हुआ तो फिर आपका डिजाइन सेफ नहीं है, आपका प्रोडक्ट निश्चित रूप से फेल होगा, ठीक है। तो अब देखो इस थ्योरी से हमें क्या मिलेगा, बिल्कुल हमको इक्वल टू एस वाई टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ई कैंसिल आउट, क्या हो गया, सिग्मा वन इक्वल टू एस वाई टी, यही मिल गया। और यही ये किसका रिजल्ट है, ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी का रिजल्ट है भाई। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी यही तो कह रही थी कि सिग्मा वन की वैल्यू एस वाई टी से कम या बराबर होनी चाहिए, तो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी से भी कुल मिलाकर वही रिजल्ट निकल के आ रहा है। तो यूनिएक्सिल केस में मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी सेम रिजल्ट दे रही है आपको, है ना, सेम रिजल्ट दे रही है। आप कोई भी थ्योरी लगा लो, दोनों थ्योरी में आपको डायमेंशन सेम मिलने वाली है, क्योंकि मैथमेटिकली प्रूव हो रहा है कि वो दोनों थ्योरी कुल मिलाकर के सेम रिजल्ट दे रही है, करेक्ट। तो ये हमारी बात हो गई थर्ड थ्योरी पर, ठीक है। अब हम चलते हैं फोर्थ थ्योरी, थ्योरी नंबर चार पे आ जाते हैं। थ्योरी नंबर चार का नाम है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, ठीक है। शियर स्ट्रेस के लिए देखो, हमने अभी टॉ थीटा पढ़ा था, शियर स्ट्रेस एट द थीटा प्लेन पढ़ा था ना, तो शियर स्ट्रेस एट द थीटा प्लेन का फॉर्मूला बताया था मुझे, सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई टू। अब सिग्मा एक्स क्या है, स्ट्रेस इन द एक्स डायरेक्शन, और सिग्मा वाई क्या है, स्ट्रेस इन द वाई डायरेक्शन, और यहाँ पे क्या लग गया था, साइन टू थीटा प्लस टॉ एक्स वाई कॉस टू थीटा। ये सब फॉर्मूले हालांकि डिजाइन डाटा बुक में गिवन है, बट एज ए डिजाइन इंजीनियर यू शुड नो इट,
हर चीज के लिए आप डाटा पर डिपेंड मत होइए, है ना। जबकि कभी आप किसी को ऑन पेपर एक्सप्लेन करेंगे तो आपको ये सब चीजें आनी चाहिए, आपको ये सब चीजें मेमोराइज होनी चाहिए, कुछ बेसिक चीजें, है ना। जो बहुत बड़ी बड़ी लेंदी चीजें हैं जो यार मेमोरेबल नहीं होती हैं, उनको आप डाटा बुक से देखें। सो टो थीटा इज दिस मच, टो एक्स बाई कॉस ऑफ टू थीटा, यही फॉर्मूला है। अब बात क्या चल रही है, मैक्सिमम सियर स्ट्रेस, और ये तो सियर स्ट्रेस एट द थीटा प्लेन है, ये क्या है सियर स्ट्रेस एट थीटा प्लेन, ये कोई मैक्सिमम थोड़ी ना है। अब इसके मैक्सिमम होने के लिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जैसे अभी हमने नॉर्मल स्ट्रेस में किया था, तो यदि हम इसको डेरिवेटिव करेंगे तो हमें मिलेगा सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई टू साइन टू थीटा का क्या होता है टू कॉस ऑफ टू थीटा, ये इसका डेरिवेटिव हो गया, प्लस टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा का डेरिवेटिव हो गया माइनस टू साइन टू थीटा इक्वल टू जीरो। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो साइन टू थीटा डिवाइड बाई कॉस टू थीटा क्या हो जाएगा, अगेन टेन टू थीटा, तो टेन टू थीटा विल बी कितना मिलेगा आपको सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई टू टाइम्स टॉ एक्स वाई, ये आपको मिलेगा। सो दिस इज द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम सियर स्ट्रेस। तो मैक्सिमम सियर स्ट्रेस वाला प्लेन यदि आपको फाइंड करना हो तो थीटा यहां से डिसाइड होगा, इस फॉर्मूले से डिसाइड होगा, ठीक है। तो देखो दोनों फॉर्मूले कुछ कुछ एक जैसे हैं लेकिन अंतर है। जो नॉर्मल स्ट्रेस वाला आया था फॉर्मूला उसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर रेफरेंस। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस का जो हमारा फॉर्मूला आया था थीटा का, वो आया था टू टाइम्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, ये फॉर्मूला आया था मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए या नॉर्मल स्ट्रेस के लिए, और ये फॉर्मूला आया है मैक्सिमम सियर स्ट्रेस के लिए। तो देखो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ न्यूमरेटर है, जो यहाँ न्यूमरेटर है वो यहाँ डिनोमिनेटर है विथ ए नेगेटिव साइन, विथ ए नेगेटिव साइन, ठीक है। तो फॉर्मूलों के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में चेंज हो रहे हैं। तो मान लेते हैं कि ये तो थीटा वन है और ये थीटा टू है, तो थीटा वन कौन सा प्लेन है, प्रिंसिपल स्ट्रेस वाला प्लेन है, और थीटा टू कौन सा प्लेन है, मैक्सिमम सियर स्ट्रेस वाला प्लेन है। तो इन दोनों प्लेनों में क्या रिलेशन है, थीटा वन में और परपेंडिकुलर है सर, दोनों परपेंडिकुलर है। हाँ बिल्कुल, तो उस चीज कंडीशन को हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड करने के लिए मैं जरा सा इसको पहले इरेज कर देता हूँ। तो सीधे स्लोप की वैल्यू m1 m2 इक्वल टू माइनस वन आ रही ना, उसी से फाइंड हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, स्लोप की वैल्यू माइनस वन आ रही है तो उसी से फाइंड हो जाएगा। और भी तरीके हैं फाइंड करने के, एक ही रिजल्ट आएंगे सबसे। तो कितना कहा आपने, दोनों प्लेन में कितने का अंतर होता है, 90 डिग्री 90 डिग्री का, 90 का होता है या 45 का होता है, सर 45 2 थीटा 90 पे होता है सर, 2 थीटा 90 पे, थीटा 45, थीटा 45 हुआ, बिल्कुल सही है। तो 45 आंसर आना चाहिए हमारा, है ना। तो देखिए मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा tan 2 थीटा 1, यहां से चल रहा हूं tan 2 थीटा 1 इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस 1 अपॉन tan 2 थीटा 2, ये लिख सकता हूं कि नहीं बताओ, दोनों से भाई ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स ही तो हैं। यस सर, यस सर, यस सर, tan 2 थीटा 1 कैन बी रिटन एज माइनस 1 बाय tan 2 थीटा 2, ये दोनों में लिखा जा सकता है क्योंकि इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर है, इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर विद ए नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन मैंने यहां ले लिया और 1 बाय हो गया। अब इसको मैं लिख सकता हूं माइनस cot ऑफ 2 थीटा 2, आई कैन यूज दिस के माइनस कॉट टू थीटा टू, है ना। और आपने अपनी 11 12th में पढ़ा होगा एक रूल जो है जिसमें हम क्या कहते थे कुछ हंसी के लिए, आजा सनम तेरी कसम, याद है याद होगा एएसटीसी, कैसे याद करते थे आप लोग इसको, हम तो ऐसे करते थे आजा सनम तेरी कसम ऐसे याद रखते। इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, हाँ बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो यदि मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो ये एंगल कितना है 90 डिग्री,
तो यदि मैं 90 प्लस बात करूं, इसका मतलब मैं किस क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं tan ऑफ 90 प्लस 2 थीटा 2, tan 90 प्लस थीटा, देखो tan 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव है ना, तो tan 90 प्लस थीटा इज माइनस cot थीटा, ठीक है, tan 90 प्लस थीटा इज माइनस cot थीटा, ये यहां से निकल के आता है। तो अब देखो tan 2 थीटा 1 इक्वल टू दिस मच, इसका मतलब 2 थीटा 1 इक्वल टू 90 प्लस 2 थीटा 2, क्लियरली कहा जा सकता है। तो अब मैं लिख रहा हूं 2 थीटा 1 इक्वल टू 90 प्लस 2 थीटा 2, तो थीटा 1 इज 90/2 45 प्लस थीटा 2, तो थीटा 1 और थीटा 2 में क्या रिलेशन हुआ, थीटा 1 और थीटा 2 में रिलेशन कितना है, 45 डिग्री का डिफरेंस है, ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेस प्लेन में और सियर स्ट्रेस प्लेन में 45 डिग्री का डिफरेंस होता है। तो अब हम इसको अपनी डिजाइन में कैसे यूज करेंगे, तो मैं जरा इसको क्लियर कर देता हूं, देखो हमारा टाइम भी खत्म होने को आ गया, जो भी रह जाएगा फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, हम थ्योरी ऑफ फेलियर ही चलेगा नेक्स्ट क्लास में, बाई एक्सएल पर और ट्राई एक्सएल पर। तो यहाँ पे देखो कोई भी फोर्स लगाया मैंने, तो यहाँ पर जो 45 डिग्री प्लेन आएगा है ना, ये जो 45 डिग्री प्लेन आएगा, इस प्लेन पर मान लो यूनि एक्सएल केस में ये प्रिंसिपल प्लेन है, तो ये प्रिंसिपल प्लेन है, तो इससे जो 45 डिग्री प्लेन बनाएगा वो हमारा सियर स्ट्रेस प्लेन हो जाएगा, और सियर स्ट्रेस प्लेन पर जो वैल्यू होती है उसको हम कहेंगे एस वाई एस, यील्ड पॉइंट के लिए, यील्ड पॉइंट के लिए हम कहेंगे यील्ड स्ट्रेस इन सियर, है ना, और ये यील्ड स्ट्रेस इन सियर जो होता है, यील्ड स्ट्रेस इन टेंशन का कितना होता है, हाफ होता है, तो यील्ड स्ट्रेस इन शियर इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस इन टेंशन। तो हम क्या कहेंगे, यूनिएक्सएल के केस में हमारा सिग्मा वन प्रिंसिपल स्ट्रेस है, तो हमारा शियर स्ट्रेस कितना हो जाएगा, शियर स्ट्रेस विल बी सिग्मा वन बाई टू, तो हम इस शियर स्ट्रेस को यील्ड पॉइंट के शियर स्ट्रेस से कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने पर यदि हमको मिलता है कि हमारा शियर स्ट्रेस यील्ड पॉइंट की शियर स्ट्रेस से कम या बराबर है, तो हमारा कंपोनेंट सेफ है। ये कौन सी थ्योरी कह रही है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी कह रही है। तो हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा वन बाई टू इज लेस देन एस वाई टी बाई टू, टू से टू कैंसिल आउट, सिग्मा वन शुड बी लेस देन इक्वल टू एस वाई टी, दोबारा से हमको वही रिजल्ट मिल गया जो प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी ने कहा था। तो कहने का मतलब यूनिएक्सएल के केस में सारी थ्योरीज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी को गवर्न करती हैं, उसको सपोर्ट करती हैं। जो प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी ने कह दिया है वही बात बाकी थ्योरियां अलग अलग रूपों में कहती हैं, लेकिन रिजल्ट एक ही आता है, ठीक है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी का मतलब है कि शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस शुड बी लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट द यील्ड पॉइंट, तब तक हमारा कंपोनेंट मटेरियल सेफ है, ठीक है। तो ये हमने पांचों थ्योरीज को थोड़ा थोड़ा हिंट कर, चार थ्योरीज को कर लिया है, अब एक थ्योरी और है मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। नाउ द टाइम इज फिनिश्ड, कोई आपकी क्वेरी हो प्लीज यहाँ तक तो जरूर पूछिए, अन्यथा फिर मैं क्लास को एंड करूँ, प्लीज मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूँ। टुडेज क्लास इज नाउ ओवर, इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज आस्क। यदि क्वेरी नहीं है तो नो बोल दीजिए, सो दैट आई कैन एंड द क्लास। हाँ जी राहुल, कोई क्वेरी हो तो पूछिए, अन्यथा मैं एंड करूं। यस सर, कर दीजिए। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।